हेलो जी कैसे हो सारे दिस इज लव ओपन वेलकम टू चैनल कोड हेल्प दिस इज आर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑफ डी एस एस सीरीज यहाँ पे हम पॉइंटर के बारे में थोड़ा और चीज़ों को पढ़ने वाले हैं लास्ट लेक्चर था हमारा वो इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर था जहाँ पे हमने सीखा क्या पॉइंटर क्या है पॉइंटर की नीड क्यों है पॉइंटर एरेथमेटिक के बारे में समझा कैसे मेमरी में इंप्लीमेंटेशन चीजें की होती है अब यहाँ पे हम एक स्टेप और ऊपर जाने वाले हम समझेंगे पॉइंटर एरेज के साथ कैसे काम करता है पॉइंटर कैरेक्टर एरेज के साथ कैसे काम करता है पॉइंटर फंक्शंस के साथ कैसे काम करता है डबल पॉइंटर्स क्या क्या होते हैं मल्टीपल पॉइंटर्स क्या होते हैं हर चीज़ को समझने वाले हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों के साथ ठीक है कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसान है बट फिर भी इनके जो एमसीक्यूज आते हैं ठीक है इनके जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर बच्चे फंस जाते हैं भाई अब या तो वो चीटिंग करते हैं फिर वहाँ पे और चीटिंग करके पकड़े जाते हैं और फिर प्रोसेस बाहर निकाल दिए जाएंगे या फिर आपको पहले से आता हो आपने पढ़ रहा हो डेप्थ आप आपकी अच्छी हो तो भैया आप कर लोगे सॉल्व ठीक है ऊपर पर सॉल्व सब कर लेते हैं डेप्थ इज इंपॉर्टेंट अब आगे चलते हैं समझते हैं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, ने सिंपल से एक आपके सामने रखी। हमने बोला दोस्त एंट ए आर आर टेन इसका क्या मतलब है जब मैं बोलता हूं इंट ए आर आर टेन तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि यार एक एरे बन जाएगा एक मेमोरी लोकेट हो जाएगी ठीक है कितनी मेमोरी हो जाएगी चालीस बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी मुझे कैसे बताते हैं आपको एक इंटीजार चार और टोटल दस ब्लॉक चाहिए तो भैया चालीस बाइट की मेमोरी एलोकेट हो गई ये मुझे टोटल दस दस ब्लॉक दस ब्लॉक मिल गए ठीक है जिसमें मैं क्या बोलता था मैं बोलता था यार आपका पहले वाला ब्लॉक है ना उसको ए आर से मान लो मतलब, आप मतलब ए आर आर क्या दर्शाता है अगर आपसे आप बोलो कि ए आर आर का क्या मतलब है तो आप मुझे बोलते थे भैया ए आर का मतलब है यार ये एरे का नाम है ये ये आपको पता था कि हाँ भैया आपने बोला था कि ये जो होता है ना ये वाली ये वाली जो चीज़ होती है मेरे सामने इसको मैं एरे का नाम बोल देता हूँ ये होता है एरे का टाइप कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होगा ये होता है एरे का नाम कि एरे का नाम क्या है और ये बताता है कितने ब्लॉक्स होंगे इसके अंदर या फिर कितने इंटीजर होंगे जैसे आप हाँ लिखा था आप टोटल दस इंटीजर होने वाले हैं इस एरे के अंदर मैंने बोला बिल्कुल ठीक बता रहे हो यार आप ठीक है अब हम पॉइंटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जब पॉइंटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं डेफिनेटली एड्रेस की बातें तो होंगी अगर मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रखूँ और बोलूं कि दोस्त मुझे ये जो पहला एलिमेंट यहाँ पड़ा होगा इसका एड्रेस चाहिए यानी कि ये जो ब्लॉक ये पड़ा हुआ है इसका एड्रेस चाहिए ये कैसे निकाल कर दोगे आप मुझे आपने बोला ठीक है भैया आपने एक चीज बताई थी कि जो आपका नाम होता है ना एरे का जैसे हम इस केस में ए जो एरे का नाम है वो एरे का जो नाम होता है वो उस एरे की पहली लोकेशन का एड्रेस ही दर्शा रहा होता है क्या मतलब है दोबारा रिपीट करते हैं जो भी एरे का नेम होगा वो उस एरे की जो पहली लोकेशन होगी उसके एड्रेस को दर्शा रहा होगा दोबारा समझते हैं ये पूरा एरे है डन है ये पहली लोकेशन है उस एरे की पहला ब्लॉक ऑफ मेमोरी है उस एरे में बिल्कुल ठीक है तो इस फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वही भाई आपका ए होता है समझ आ गई तीन बार समझा इस चीज को तो इसका मतलब अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यार पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस बताओ आप बोलोगे भैया सिंपल है मैं ए से प्रिंट कर दूंगा ठीक है ट्राई करें चलो ट्राई करते हैं हम यहाँ पे आए हमने लिखा कि यार इंड ए आर आर दस ठीक है ये हमने लिख लिया हमने बोला कि यार सी आउट एड्रेस ऑफ फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक इज क्या प्रिंट कर दिया मैंने मैंने सिर्फ ए आर आर लिख दिया ठीक है अब मैंने इसको रन किया रन क्या आया एड्रेस ऑफ फर्स्ट आई ब्लॉक इज दिस अच्छा पहली मेमोरी का ब्लॉक का एड्रेस ऐसे यानी हाँ ये तरीका सही है अगर मुझे एड्रेस निकालना तो मैं सिर्फ एरे का नाम लिखूंगा पहले ब्लॉक का एड्रेस आ जाएगा बहुत बढ़िया भैया तो आपने एक चीज़ और बताई थी क्या चीज़ थी वो उसी को डिस्कस करते हैं एक बार मेरा पेन खो गया मेरा पेन खो गया ये रहा हाँ आपने एक और चीज़ क्या बताई थी भैया एक एंड ऑपरेटर आपने बताया था ना यार मैंने कहाँ बताया था तो दिस वीडियो स्पॉन्सर पर रिलेबल अगर आप चाहते हैं सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर किया जाए और तगड़ी हाई सी टी वाली जॉब ग्रैप की जाए सो रेवल इज प्लेटफॉर्म फॉर यू यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ को देख सकते हैं हायर करते हुए जैसे क्रेड वन एम जी मीशो अर्बन कंपनी आप कैड तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं रिलेल टेस्ट आर कम्पलीटली फ्री इसमें बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप और यूनिकॉन्स है जो हायर कर रहे हैं एक और नया फीचर यहाँ पे एड हुआ है कि यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाए इसलिए रियल टेस्ट देने से पहले और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट में से क्या 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 पूछा जाने वाला है तो प्रैक्टिस कर लेता हूं अब तक तो इन्होंने सात करोड़ प्लस वर्क प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी और ये कुछ कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं लीड रिपोर्ट में बने हुए हैं और फायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं महंगे महंगे वाले <laughs> अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रहकर एक्साइटिंग प्राइस भी लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा आपको उस लिंक पे जाके जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है वहां पर जाके अप करना पड़ेगा रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सारी की सारी कैटेगरी नई कैटेगरी यहाँ पे फुल स्टेक डेवलपमेंट की एड हुई है तो रजिस्टर करो जॉब लो और फिर मुझे पार्टी दे देना चलो बाय बाय आपने मुझे बोला था कि यार इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं इसको रीड कर सकते हैं एड्रेस ऑफ बिल्कुल ठीक है इसका मतलब आपने मुझे बोला था क्या जब भी आप किसी चीज़ का एड्रेस निकालना हो तो आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को यूज़ कर लेना मैंने कहा बिल्कुल ठीक है तो भैया अगर मुझे इस एरे का जो ए AR, जो एरे मैंने बना रखा है इसकी पहली लोकेशन का एड्रेस निकालना है तो मैं एंड कैसे यूज़ करूँ मैं बोला बहुत सही है आपने बोला मैं मैं भैया मुझे आता है आप मुझे बताना सही है गलत है ठीक है आपने बोला भैया कि यार फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस चाहिए मैंने कहा ठीक है फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस फर्स्ट लोकेशन कौन सी होती है जीरो से इंडक्स वाली ये होगी फर्स्ट लोकेशन और आपने मुझे बोला एड्रेस कैसे निकालते हैं एंड ऑपरेटर से तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ एंड ऑफ ए आर ऑफ जीरो तो क्या ही चलेगा मैंने बोला चलेगा ट्राई करें चलो तो अगर मैं इसी को यहां कॉपी पेस्ट कर दू अरे भैया अरे 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 ऐसे और मैं यहां पर लिख दूँ कि ए आर आर ऑफ जीरो ये होगी पहली लोकेशन और मुझे पहली लोकेशन एड्रेस चाहिए तो मैं एंड लगा देता हूँ मैंने अभी इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया एड्रेस ऑफ इसका मतलब अरे दोस्त इसका मतलब हो गया एड्रेस ऑफ और इसका मतलब हो गया लोकेशन जीरो बन गई ट्राई करते हैं आगे सेम तो हमें पता लग गया एक और तरीका है मेरे पास जिससे मैं इस लोकेशन का एड्रेस निकाल सकता हूँ हमें समझ में आ आगे चीज तो हमें मज़ा आ रहा है कि ठीक है अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो चुका है अगर भैया मैं इसको ऐसे लिखता तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करा दूँ ये सी आउट ए आर आर जीरो तब क्या होगा मैं मैं कुछ भी तो नहीं है ए आर आर जीरो के अंदर जो भी एलिमेंट पड़ा होगा उसको कराने की कोशिश करो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ आपने कहा ठीक है अभी तो हमने कुछ डाला नहीं है तो गारे वैल्यू पड़ी होगी मैंने टर्न किया तो यहाँ पर ये वर्ड पड़ा हुआ था मान लो मैं इसको लोसिचार्ज कर दिया होता अगर तो यहाँ तो तो जीरो आंसर आया था ठीक है ठीक है अगर मैं ए आर आर लिखता हूँ यानी आर ए का नाम तो मेरे को पहली लोकेशन का एड्रेस मिल जाएगा अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो जीरो तो इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी अगर मैं ऐसे ए आर आर जीरो के आगे एंड लगा देता हूँ तो भैया मुझे फिर दोबारा पहले लोकेशन का एड्रेस मिल जाएगा तो यानी कि अगर मेरे को किसी लोकेशन का यानी अगर मुझे फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस निकालना होता एज पर दिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा तो आप ए ऑफ आर लिख देते बहुत बढ़िया समझ में, वाली चीज़ में। आगे वाली चीज हमें क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से अब मैंने आपको बोला कि पॉइंटर चीज होती है ना सिर्फ उसी को समझ में आता है जो उसके बाद खेलता है मेरे पास क्या है गिनती की स्टार है इंडेक्सेस यूज कर सकता हूँ एरे के अंदर नाम है आगे पीछे करके लगा के चीजें समझते जाएंगे प्ले करेंगे खेलेंगे इनके साथ और हमें चीजें अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी हमने अब तक क्या देख लिया हमने अब तक देख लिया कि यार ए आर ऑफ टेन मेरे पास बनाना पड़ा है हमने क्या देख लिया एक बार नाम प्रिंट कर लेता हूँ हमें पता लग गया फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस दे रहा है फिर हमने क्या बोला चल ऐसा करता हूँ ए आर ऑफ जीरो प्रिंट कर लेता हूँ हमें क्या पता लगा अरे यार, यार ये तो वैल्यू प्रिंट कर रहा है वैल्यू एट इंडेक्स ठीक है फिर मैंने क्या बोला कि यार मैं इसके आगे एंड लगा दू तो तो मुझे क्या पता क्या आ रहा है यार फिर दोबारा पहले लोकेशन का एड्रेस दे रहा सेम ये तीन चीज़ें हमने देख ली अब हम क्या करते हैं ऐसे कुछ भी कर रहे हैं और करते करते सीखते चले जाएंगे मैंने क्या बोला कि यार कुछ नहीं अब मैं स्टार ऑफ ए लिख देता हूँ ऐसे <laughs> करते करते सब सीखते हुए चले जाएंगे अब हम स्टार ऑफ ए करेंगे अब लिखते हैं और प्रिंट करने से पहले समझेंगे चीज़ों थी को हमने क्या लिखा इसका मैंने लिखा मान मैं लो कि मैं ऐसे फोर्थ लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने लिख दिया स्टार ए आर आर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार ठीक है तो देखो अब हम स्टार ए की जब बात करते हैं वो लिखते हैं एक बार स्टार ए इसको ब्रेक करते हैं ठीक है तो हम बात कर रहे हैं स्टार ए की इसका मतलब क्या है हम क्या करने वाले हैं हमने क्या बोला कि हमें एक वैल्यू डी रेफरेंस करनी है कौन सी वैल्यू जिसका एड्रेस ए के अंदर स्टोर है तो ए एक ब्लॉक मान लो ठीक है इस ब्लॉक के अंदर कोई एक एड्रेस पड़ा हुआ है ए डी डी वन ठीक है आप इस एड्रेस पे गए ये मान लो ये ये है यहाँ एक वैल्यू पड़ी हुई है ठीक है ये वैल्यू आप प्रिंट कराना चाह रहे ए आर आर के द्वारा ठीक है अब इसको एर ए केस में लेके आते हैं हमारा केस क्या हमारा केस तो है कि दस ब्लॉक में मेमोरी पड़े हुए हैं जिसको ए से मैं दर्शा रहा हूं ठीक है और अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरे सिंबल टेबल में जो कि मैंने लास्ट वीडियो में, में डिस्कस किया था मेरा एक सिंबल टेबल होगा मेमरी में और उसमें ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा सात मान लेते हैं वो मैपिंग पड़ी हुई होगी सिंबल टेबल के अंदर ऐसे ठीक है तो अब जब मैं बोलता हूं स्टार ऑफ ए आर आर ए आर का क्या मतलब है सात सौ चार सात सौ चार का मतलब है ये वाला ब्लॉक मैंने स्टार लगाया यानी रेफरेंस कर तो यानी इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है मान लेते हैं ट्वेंटी थ्री तो भैया ट्वेंटी थ्री प्रिंट हो जाएगा ठीक है समझ में आए ये चीज़ हमें अगर मैं इसको कर दू यहाँ पे टू कमा फाइव कमा सिक्स ऐसा और मैं इसको स्टार ए आर आर प्रिंट करूं इसका मतलब कि जो पहली लोकेशन पे आपकी मेमोरी पहली लोकेशन पे आपकी जो वैल्यू पड़ी है दैट इज टू इन दिस केस वो प्रिंट हो जाएगी रन करते हैं आ गया टू बहुत बढ़िया चलो ये चाहिए हमें समझ में आ गई अब भैया थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं मैंने बोला स्टार ए आर आर देख लिया ऐसा करो अब स्टार ए आर आर प्लस वन करके देखो क्या होता है स्टार ए आर आर प्लस वन हमें क्या पता है ये क्या चीज़ है ये है वैल्यू एट जीरो इंडेक्स अब ऊपर हमने देख लिया अभी वैल्यू एट जीरो इंडेक्स जो हमारे केस में क्या है टू तो टू प्लस वन थ्री आ जाना चाहिए देखते हैं कला के देखते हैं इसमें जितना खेलोगे उतना समझ में आएगा यार ठीक है स्टार एर प्लस वन कर दिया चलाते हैं फिर आना चाहिए फिर आ गया बहुत बढ़िया भैया अब क्या करते हैं अब ऐसा करते हैं इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लेते हैं स्टार ऑफ ए आर आर प्लस वन ऐसा कर लेते हैं इससे क्या मतलब है ए आर आर मतलब क्या था जीरो लोकेशन ऊपर हमने देखा अभी प्लस वन कर दिया जब हमने इसमें यानी इसमें प्लस वन कर दिया पूरे में तो अब इस पूरे का क्या मतलब हो गया फर्स्ट लोकेशन और फिर हमने इसमें स्टार लगाया हुआ है तो यानी क्या मतलब हो गया वैल्यू एट लोकेशन बहुत बढ़िया समझ में आ रही चीजें हमें अब ठीक है और हमारी पहली लोकेशन वैल्यू क्या पड़ी है फाइव पड़ा हुआ करते है करते हैं एक बार हमने यहां दिया आंसर हमारा फाइव आना चाहिए कायदे से फाइव आ गया तो ये भी चीज़ हमें प्रिंट कर ली और हमें समझ में आ रहा है सब कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते करते सीखते जा रहे हैं कुछ ऐसे खतरनाक चीज़ नहीं थी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सीख रहे हैं मज़ा आ रहा है अब इस चीज़ को थोड़ा और ले लेते हैं हमने पहले क्या लिखा था स्टार ऑफ ए आर आर प्लस वन ऐसे ब्रैकेट में अब मैं सिर्फ इस प्रकार ले तो स्टार स्ट... अगर मैं सिर्फ इस प्रकार ले लूँ तो क्या यार स्टार ऑफ ए आर आर प्लस वन अगर ऐसे कर दो तो दो तो तो बड़ा आसान है ये क्या प्रिंट करता है वैल्यू एट जीरो लोकेशन

तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई यार ये चीज हमें समझ में आ चुकी है अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जब हम लिखते हैं जब हम लिखते हैं ए आर आर ऑफ आई तो ये इंटरनली कैसे कंप्यूट करता है आपका कंपाइलर ठीक है आप इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये इस प्रकार होता है कि इसका मतलब है स्टार ए आर आर प्लस आई स्टार को हम कैसे पढ़ सकते हैं वैल्यू एट ऐसा ठीक है एंड में कैसे बढ़ते हैं एड्रेस ऑफ तो यहाँ पे क्या हुआ ए आर आर क्या दर्शाता है जीरो लोकेशन जीरो लोकेशन का एड्रेस आई क्या दर्शा रहा है कोई भी एक नंबर आप इंटीजर में उनका आपने प्लस कर लिया अब जो यहाँ से एड्रेस जनरेट होके आया अब यहाँ से एड्रेस जनरेट होके आया उसमें आपने स्टार लगा दिया तो यहाँ पे एक वैल्यू जनरेट होकर आएगी जो कि उस एड्रेस से पड़ी हुई होगी समझिए इस बात को हम समझते हैं मैंने एक एरे बनाया इस प्रकार इसमें चार लोकेशन है जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स यहाँ पर आया ट्वेंटी थ्री वन ट्वेंटी टू फोर्टी वन सिक्सटी सेवन इस प्रकार अब जब मैंने बोला ए आर आर इसका नाम मैंने ए आर आर दिया हुआ है जब मैंने बोला ए आर आर ऑफ टू इस केस में क्या होगा स्टार ऑफ ए आर आर प्लस टू और ये जो इसके वैल्यू मैंने मान ली शुरू में सात सौ दस है ए आर आर की वैल्यू पहली मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस सात सौ दस से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया स्टार ऑफ सात सौ दस प्लस टू और हमने इस चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब भी पॉइंटर में से मान लेते हैं कोई पॉइंटर पीछे पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंटर जो है किसी एरे को दर्शा रहा है आ, हमने बोला कि यार ऐसा लिख दिया पॉइंटर अब जब हम बोलते हैं टी प्लस प्लस तो वो अगले मेमोरी ब्लॉक पर चला जाता है अगले नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक पे जाता है नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक पे जाता है लास्ट वीडियो हमने देखा जब सात सौ प्लस टू करते हैं तो यानी सात नहीं कर दोगे आप आप दो ब्लॉक आगे चले जाओगे यानी पहले इस ब्लॉक पे गए फिर इस ब्लॉक पर चले गए ऐसे आपको मूवमेंट करनी है तो आपका नंबर क्या हो गया एक ब्लॉक में जब मूवमेंट करते हो तो इंटीजर चार बाइट का होता है तो आपका आंसर स्टार ऑफ सात सौ अठारह समझ में तो आई ये चीज हमें हमने बोला सात सौ अठारह अठारह मतलब ये वाली लोकेशन ये वाली लोकेशन कौन सी होती है सात सौ चौदह फिर चार बढ़ा दिया सात सौ बाईस यानी तो सात सौ अठारह इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं इसका हमने स्टार लगा स्टार मतलब वैल्यू एट तो सात सौ अठारह में स्टार लगा यानी सात सौ अठारह में क्या पड़ा हुआ फोर्टी वन हमारा आंसर आ गया फोर्टी वन अच्छा तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो ऐसे इवेल्युएट होता है तो मुझे ध्यान रखना है प्लस टू का मतलब ये नहीं कि सात सौ बारह बना दो इसका मतलब कि उतने ब्लॉक्स आगे बढ़ जाओ सात सौ दस में दो है दो ब्लॉक आगे बढ़ जाओ एक ब्लॉक एक ब्लॉक फिर इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है सात सौ अट्ठारह क्यों क्योंकि हर ब्लॉक जब आप इंटीरियर में आगे बढ़ते जाओगे तो चार चार बाइट का डिफरेंस आता जाता है ठीक है तो अपना फोर्टी वन परिट होने कायदे से अब यहाँ पे मगर हम यहाँ पे इसको वैल्यू इसको अपडेट कर दें हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ट्वेंटी थ्री कोमा वन ट्वेंटू फोर्टी वन कॉमा सिक्सटी सेवन अब मैं यहाँ पे आके अगर आपको बोलूँ कि दोस्त यहाँ पे ना वैल्यू प्रिंट करो ए आर ऑफ़ टू की तो देखते हैं क्या होता है ए आर आर ऑफ़ टू प्रिंट करके देख लिया हमने रन करते हैं सिक्सटी सेवन आया हाँ भाई फोर्टी जब फोर्टी बनानी चाहिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना अभी ऊपर यहाँ पे कि फ़ोर्टी वन आनी चाहिए फोर्टी वन हमारा आ गया अगर मैं इसको उस वे में लिखूँ जिसमें मैंने आपको समझाया गया कि वैल्यूट होता है अगर मैं इसको वैसे लिख दूँ कैसे कि यार यहाँ पे स्टार लगाओ यहाँ ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे ए आर लगाओ यहाँ प्लस टू कर दो तो भी सेम आपको फॉर्टी वन आना चाहिए रन किया फोर्टी वन आ गया ठीक है तो अब हमें क्या समझ में आया कि यार एक फार्मूला हमारे सामने है जिसको हम लिखते हैं किस प्रकार इस प्रकार के ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू स्टार ऑफ ए आर आर ऑफ ए आर प्लस आई तो ये मेरा एक फार्मूला जो है ये एक फार्मूला मैंने जनरेट कर लिया या मुझे पता लग गया और मुझे पता लग गया कि यार अंदर इंटरनली इस प्रकार एग्जीक्यूशन हो रहा है कि अगर जब भी मैं ए आर ऑफ आई लिखता हूँ तो वो ऐसे एवेल्युएट होता है ठीक है इसकी एक और चीज यार अगर हम ध्यान से मैथ्स को यहां पे देखें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार अगर ऐसे लिखा होता है आई ऑफ ए आर आर तो भी सेम चीज रही है स्टार ऑफ आई प्लस ए आर आर आपने बोला भैया तो कुछ नहीं बताया तो ये चीजें होती है आपको कहीं पता नहीं लगेंगी ठीक है डेफ्त में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मान लो कि एमसीक्यू में ऐसा आता कि एरे तो ये है बट अगर आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने को बोलते तो आप बोलते भैया हम तो इंडेक्स बार लिखा है एर का नाम अंदर लिखा तो एरर देगा दोस्त एर नहीं देगा एरर नहीं देगा ये एम आप गलत करके आ जाओगे तो अगर आपको ये वाली चलाखी पता होती तो आप वो एम सही कर लेते अब ये चलाकी अगर पढ़ के मजा आया कि भैया तो नई चीज पता लगी है तो नीचे लिखना भैया चलाकी प्लस प्लस मज़ा आ गया ठीक है तो ये चीज़ आपको समझ में आई और आपने बोला कि ठीक है भैया ये तो मेरी क्लास में किसी बच्चे को नहीं आती होगी तो ये आपको पता लग गया कि इस प्रकार भी मैं इवेलुएट कर सकता हूँ ठीक है रन करके दिखाओ भैया फैक्ट है बहुत करके दिखाओ हाँ ठीक है दोस्तों अभी करते हैं अब मैं इसको अगर इस प्रकार लिख दूँ मान लो मैंने लिखा कि यार इंट आई इज इक्वल टू थ्री और अब मैंने बोला कि यार सी आउट और मैं लिख दिया आई और ये लिख दिया ए आर यार सिक्सटी सेवन प्रिंट होना चाहिए कायदे से क्लियर करता हूँ पहले एक बार यार प्रिंट किया सिक्सटी सेवन प्रिंट हो गया अरे वाह भैया आपने तो इंडेक्स बाहर लिखा और अंदर रहकर नाम लिखा तब तो भी चल गया बिल्कुल चल गया क्यों चला क्योंकि मेरे पास ये वाला फॉर्म है दोस्त अंदर इवैल्यूएशन इस प्रकार होती है इसलिए चल गया अब एमसीक्यू में ऐसी मैं चीज आएगी तो आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपको आता है करना ठीक है तो यहाँ पे आप थोड़ी प्रो बनते जा रहे हो है ना पॉइंटर वाली गेम आपको अच्छे से क्लियर होती जा रही है अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जब मैं बोलता हूं हम इंटीरियर आ रहे हो पॉइंटर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझ लिए मैंने भी बोला इसमें और चीज़ें हो सकती है स्किप कर के हूँ कैसे पता लगेगा जब आप यहां बैठ के खेलेंगे हमने क्या पकड़ा हम तो सिर्फ ये क्रिएट कर दिया हमने खेलना शुरू कर दिया हमने सिर्फ ए लिख दिया हमने ए आर जीरो लिख दिया हमने एंड भी लगा दिया इसके अंदर हमने स्टार लगा दिया प्लस वन कर लिया ब्रैकेट यूज कर लिए खेल 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 करके हमने ये सारी की सारी चीजें समझ ली ठीक है अब मैंने आपको बोला क्या डिफ्रेंसेस समझते हैं अब हम डिफरेंसेस समझेंगे का अच्छा वाला पेन का है मेरा ये रहा बिल्कुल किसी ने अगर गौर किया हो तो हम सिर्फ तीन कलर से लिखते हैं अगर आपको बताओ तो ध्यान से देखो पहला हमने तो जितने लेक्चर बनाया इन्हीं कलर से बनाया दूसरा तीसरा इसके आगे मुझे बोलने की नीति नहीं नहीं है ठीक है आगे चलते हैं तो हमें डिफरेंसेस देखने हैं डिफरेंसेस हमें देखने किसके बीच में हमने देखना डिफरेंसेस हमने अभी तक तो इंटीजर आर डिस्कस किया ना तो पॉइंटर के बीच में और इन एरेज के बीच में एक बार हमें डिफरेंस देखना है क्या डिफरेंस आ रहा है ठीक है सबसे तो पहले समझते हैं कि इंप्लीमेंट कैसे होते हैं इनका यार मतलब बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है हम बिहाइंड द सीन समझ लेते हैं पहले एक बार इंप्लीमेंटेशन में इं� क्या डिफरेंस टेंट ए आर आर ऑफ टेन ऐसे मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया इस केस में क्या होता है यार इस केस में कुछ भी नहीं सिंपल चीज होती है कि आपका ये एक मेमोरी एलोकेट हो गई कितने बाइट की ये आपकी मेमोरी हो गई है लोकेट टोटल टेन ब्लॉक्स के लिए दैट इज फोर्टी बाइट्स के लिए और यहाँ पे आपका ए जो है वो पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा यानी कि सिंबल टेबल के अंदर ए की एंट्री हुई पड़ी होगी पहले वाले के एड्रेस के साथ इस प्रकार सिंबल टेबल में ये पड़ा हुआ होगा इसका साइज निकालेंगे आप फोर्टी बाइट आ जाएगा समझे आप तो यानी एक एरे ये बना पड़ा है जिसमें टोटल दस ब्लॉक हैं एक डब्बा है, ये बना पड़ा है जिसका नाम ए है और इस डब्बे के अंदर आपका सात सौ दस पड़ा हुआ है इन शॉर्ट ए आपका पहले लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ऐसा ये साफ है अगर मैं पॉइंटर बनाता हूँ तो क्या होता है भैया जब मैं बोलता हूं कि यार इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू मान लो मैंने इसी की तरफ इसी की पहले लोकेशन को पॉइंट कराना चाहता हूँ पहले लोकेशन क्या है ए है तो मैंने क्या बोला एंड ऑफ ए आर आर एफ जीरो पहले लोकेशन का एड्रेस दे दो तो यहां पे मैंने क्या किया है ध्यान से देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यार मेरे पास ना ये एक एरे पड़ा हुआ था इसके अंदर टोटल दस लोकेशन थी ठीक है और और इसको ए आर आर जो था पॉइंट कर रहा था जब मैंने ये चीज़ लिखी तो क्या हुआ एक मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसका नाम पी है इसका एड्रेस मान लो आठ सौ दस है इसका एड्रेस मान लो सात सौ दस है ठीक है एक चल रही है बस इसका नाम पी है ब्लॉक का इस पी ब्लॉक के अंदर पहली लोकेशन का एड्रेस स्टोर हो जाएगा तो इसका एड्रेस अगर सात सौ दस है तो यहाँ पर आपका पी ब्लॉक पी वाले ब्लॉक में सात सौ दस स्टोर हो जाएगा जब मैं स्टार पी लिखूंगा कहीं पर एक्सेस करूंगा करने का ट्राई करूंगा तो सात सौ दस पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज ये सात सौ दस है ये सात सौ दस इसमें जो वैल्यू पड़ी है मान लो यहां पे ट्वेंटी थ्री पड़ा तो भैया ट्वेंटी थ्री हो जाएगा समझे तो इस केस में आपका पी क्या है आपका पी ये वाला मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है तो आपका पी जो है वो आठ बाइट का हो गया दोस्तों फोर्टी बाइट्स आठ बाइट्स पहला डिफरेंस दिखा कि अगर मैं अगर मैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लूँ अगर मैं साइज ऑफ वाले मैथड का यूज कर लूँ नहीं मैथड अगर मैं साइज ऑफ मैथड का यूज कर लूँ तो भैया एरे वाले केस के अंदर जितना भी साइज होगा वो मल्टीप्लाई फोर होकर मेरा प्रिंट हो जाएगा और पॉइंटर वाले केस के अंदर सीधा सीधा हमेशा आठ बाइट प्रिंट हो जाएगा समझे इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हो चलो वेरीफाई करवा देते हैं ठीक है मैंने क्या प्रिंट कर लिया इंट टेम्प दस ठीक है फिर मैंने इसको प्रिंट कर लिया साइज क्या है मैंने बोला सी आउट सी आउट इज ऑफ टेम्प क्या आंसर आना चाहिए दस इंटू चार चालीस आ गया चालीस बहुत बढ़िया वो थोड़ा एंडल का पंगा है अभी ठीक हो जाएगा अब चला लो ठीक है आ गया चालीस बहुत बढ़िया क्लियर कर देता हूं

पीटीआर का मतलब था एड्रेस स्टार पीटर का मतलब वैल्यू प्रेजेंट एट दैट एड्रेस पीटीआर पॉइंट कर रहा है तो सात सौ दस पे क्या पड़ा है तेईस तो तेईस के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होती तो है इंटीजर के लिए चार तो आपका चार प्रिंट हो गया तो आपने खेल खेल में ये भी समझ लिया आपने बोला भैया मैं अगर इसका अगर, इसका अगर, इसका अगर मैं पीटीआर में एंड लगा दू तो मैंने भाई करके देख लो आपने बोला मैं एंड लगा दूँ तो मैंने कर लो तो इससे क्या होगा जो पीटीआर है यानी ये वाला जो पीटीआर है इसका जो एड्रेस है यानी आठ इसके लिए कितने एमरी एलोकेट इसके लिए अगर मैं स्टोर करना चाहूँ तो कितने मेमोरी चाहिए होगी इसको स्क्रंट करते हैं आठ तो एड्रेस स्टोर करने के लिए आठ ही मेमरी चाहिए थी ठीक है ये भी आपने सीख लिया भैया अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ टाइम के साथ कर दूँ तो मैंने बोला कर लो ट्राई आपने लिखा स्टार ऑफ टाइम स्टार टाइम का मतलब टाइम का मतलब क्या होता है पहले लोकेशन का एड्रेस का मतलब क्या होगा पहले लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है वो यानी कि अगर मैं इसको इसकोलाइज कर दूँ या मैं लिख देता हूँ चलो वन कामर टू लिख दिया तो पहले लोकेशन में वन पड़ा हुआ है तो वन प्रिंट होना चाहिए कायदे से एक बार क्लियर करता हूँ चलाता हूँ फिर तो कहाँ हमारा एक बार समझ में नहीं आया कहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है दोबारा चलाते हैं मैं ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ लिख देते हैं फर्स्ट तो हमने आज को प्रिंट करने का ट्राई किया और हमारा आ गया फर्स्ट में चार पड़ा हुआ है जी चार क्यों पड़ा है समझते हैं तो तो हमारा फर्स्ट पे चार दिखा रहा है क्या मतलब इस बात का हमने क्या बोला स्टार ऑफ टेम टेम्प का मतलब था एड्रेस पहले लोकेशन का स्टार टैम लगाया यानी उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ उस एड्रेस पे एक पड़ा हुआ है एक क्या है इंटीजर साइज ऑफ इंटीजर क्या होता है चार चार प्रिंट हो गया बहुत बढ़िया अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दू और यहाँ पे एंड लगा दू हम बस रैंडम चलते जा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि यार ठीक है अगर मैं यहाँ पे करता तो क्या होता तो यहाँ पे करता तो क्या होता बाकी आपसे अगर एम सी पूछा आ जाए क्योंकि बहुत ज्यादा चांस आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाए मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड और यहाँ मैंने एंड लगा दिया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है टैंप पे आपने एंड लगाया है टैंप का मतलब क्या था है में आपने एरे बनाया था और एरे का नाम है टेम्प उसमें एंड लगाया यानी वही सेम जो आप पे अगर इस प्रकार लिखते जैसे हमने ये चीज देखी थी ना यहाँ पे कि यार मैंने यहाँ पे ए आर आर का एड्रेस निकाला और फिर एंड ऑफ ए आर स्ट्रीट निकाला सेम चीज थी वो चीज़ हमने करी है एक बार दोबारा चला के देखते हैं आप इसको ठीक है तो अभी थर्ड चीज़ हम समझना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ये एंड ऑफ टैम में साइज बता दें क्या आ रहा है भाई टैम क्या है पहले लोकेशन का एड्रेस एंड लगा दिया वो एड्रेस ही दिखाने वाला है एड्रेस का प्रिंट करेंगे आठ आ जाता है आंसर यार है पता है ठीक है ये कुछ गड़बड़ बता रहा है तो वाचन पे चलाते हैं आठ आ गया ठीक है तो हमें समझ में आ गया यार की अलग अलग चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कैसे कैसे

जो कि है एक एंड ऑपरेटर कैसे समझते हैं भाई हम चलते हैं आगे दोबारा एक बार ठीक है अब मैंने क्या बोला कि यार ये मेरा एरे है इंट ए बीस इज इक्वल्स टू वन कमा टू कमा थ्री कॉमा फोर ऐसा कुछ को डाल दिया और मैंने क्या बोला कि इसका ना एड्रेस प्रिंट कर दो मैंने क्या बोला इसका एड्रेस प्रिंट कर दो सी आउट एंड ए जीरो ऐसे आपको अब तो पता लग गया होगा एंड ए जीरो लिखूं या अगर सिर्फ एंड ए लिखूं एक ही बात है है ना यानी अगर मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया होता सी आउट एंड ए या मैं लिख दिया होता सी आउट ए आपका पता लगाना चाहिए क्या आउटपुट आने वाला है ठीक है तो तीनों केस में सेम चीज यार तीनों चीज एड्रेस दर्शाती है आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे तो अब मैंने क्या बोला ये हो गया अब मैंने क्वांटर बना लिया मैंने बोला क्वांटर बनाया एंड स्टार पी इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया एंड ऑफ ए ऑफ जीरो ठीक है यहां मैंने इसको ये तीन चीज दे दी ठीक है यहाँ पे आपने पीटीआर तो चलो कुछ है ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये तीन चीज़ें यहाँ प्रिंट कर दी हमारा मेन फोकस है वो एंड ऑपरेटर के ऊपर है कि जब मैं एंड ऑफ ये लगाता हूँ ये लगाता हूँ ये लगाता हूँ तो क्या होगा जब मैं एंड ऑफ पी लगाता हूँ तो क्या होगा समझते हैं इस चीज़ को एक बार जब मैं लगाता हूँ एड्रेस की बात कर लेता हूँ एंड की बात करता हूँ पहली चीज़ मान लो कि मेरे पास एक एरे क्रिएट मैंने किया हुआ है इन स्टार दस का मैंने एरे क्रिएट कर लिया कुछ भी मान लो शुरू मैंने इशला जीरो से कर दिया अब जब मैं बोलता हूँ कि यार क्या मतलब है इस बात का इसमें क्या हुआ होगा मैंने एक एरे बनाया होगा जिसके अंदर बेसिकली दस ब्लॉक होंगे ऐसा अब मैंने क्या बोला एंड अरे आ जा अब मैंने क्या बोला एंड ऑफ ए आर आर ऑफ जीरो बोला एड्रेस ऑफ जीरो लोकेशन एड्रेस ऑफ ब्लॉक एट जीरो इंडेक्स क्या मतलब है ये रहा मेरा जीरो इंडेक्स ये रहा मेरा ब्लॉक इसका एड्रेस मान लो सात सौ दस है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है सात सौ दस बहुत बढ़िया ठीक है सेकेंड अब मैंने क्या बोला कि भाई एक पॉइंटर बना लेता हूँ इंड स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ऑफ एफ जीरो आप समझते हैं इस चीज को इसका मतलब क्या हुआ कि यार एक ना ब्लॉक बनेगा एक मेमोरी पे ब्लॉक बनेगा इस प्रकार का और इसका नाम जो है वो पी हो जाएगा इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर होगा ये जो हमने एड्रेस देखा ना यहाँ पे इसका एड्रेस सात सौ सात सौ दस टोड होगा और इस पी का खुद का एड्रेस मान लो कुछ है नौ सौ तेईस इस प्रकार का ठीक है तो अगर मैं एंड ऑफ पी की जब बात करूंगा इसका मतलब P का एड्रेस समझे इस चीज को मैंने बोला एंड ऑफ P इसका मतलब एड्रेस ऑफ P वाला ब्लॉक ये पी, ये रहा रहा P P का ब्लॉक इसका एड्रेस क्या नौ सौ तेईस इसका मतलब कायदे से इसका आंसर नौ सौ तेईस आना चाहिए ठीक है तो, तो दोनों केस में यहां पे ज्यादा सस्ता यहां से अलग अलग एड्रेस आ रहे हैं बहुत बढ़िया है। इसका रन करके देख लिया थोड़ा आगे क्लैरिटी के लिए यहां एरो डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने इसको रन कर दिया देखो यहाँ पर ये एड्रेस आ रहा है ऐसा ठीक है और यहाँ पर दोबारा समझते हैं एक बार गलत तो नहीं कहीं पे बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है तो हम यहाँ से देखते हैं ये रहा स्टार वाला यहाँ पे इसका एड्रेस आ रहा है ये सी जीरो और यहाँ पे ये वाला देखो यहाँ पे इसका एड्रेस आ रहा है बी जीरो हमारे लिए बाकी तो हम देख चुके हैं पढ़ चुके हैं इसको देखने की नीड नहीं है इनको हटा देता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए और ज़्यादा इसको क्लियर करके रन कर देते हैं देखो ये एड्रेस जो है ये है आपका एंड ऑफ एरो पहले लोकेशन का एड्रेस और जो आपने ये है पी ब्लॉक का एड्रेस वो एड्रेस जो है अलग है एक और डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि दोनों में अगर एंड ऑपरेटर लगाऊं तो भैया वो अलग अलग होने वाला है वो सेम नहीं होगा बहुत बढ़िया समझ गए इस चीज को हम थर्ड चीज चलते हैं एक बार थर्ड चीज पे चलते हैं थर्ड चीज में आपको बोलना चाहूंगा यार कि सिंबल टेबल का जो कंटेंट होता है सिंबल टेबल का कंटेंट जो होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते कैन नॉट बी चेंज इंग्लिश की ऐसी कर दी हमने कैन नॉट बी चेंज ये बात समझ में आ रही है सिंबल टेबल कंटेंट क्या बोल रहा है अरे यार ध्यान से बड़ी देखा करो जब मैंने आपको बोला कि एंट ए आर आर ऑफ दस आपने क्रिएट कर लिया है इस केस में आपने एक एरे बनाया था कि भाई ये मेरा एक एरे बन गया इसके अंदर दस ब्लॉक पड़े हुए हैं तो इसका मतलब था कि भैया मेरा ये वाला एक टेन ब्लॉक का एरे बना दो और ए आर आर जो है वो पहले लोकेशन को कर रहा कैसे पता लगा कि ए आर आर पहले लोकेशन को पॉइंट कर रहा है कहा से पता लगेगा मतलब अगर मैं आके यहाँ आप पे आपको बोलूँ की सीआउट ए आर आर ऑफ फर्स्ट यानी पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़े बताओ एआरआर क्या है कंपाइलर कैसे पता लगेगा तो उस चीज के लिए एक चीज हमने आपको समझाई थी कि सिंबल टेबल नाम एक चीज होती है जहां पे आपकी इस नाम से ए आर आर जो यहाँ पे नाम यूज हो रहा है ना ये जो नाम आपको दिख रहा है यहां पर ए आर आर है इस नाम की मैपिंग होती है एड्रेस के साथ तो हमने क्या बोला था कि ए आर आर जो है इस केस में मैप होगा किसी एड्रेस के साथ मान लेते हैं ये पहले ब्लॉक का एड्रेस सात सौ दस था तो ये मैपिंग जो है ना यार ये आपकी सिंबल टेबल में डल गई है और मैंने आपको बोला भाई ये सब ये आप चेंज नहीं कर सकते आप चेंज नहीं कर सकते कैन नॉट बी चेंज समझे इस चीज को आप चेंज कैसे करने जाओगे मान लो आपने लिख दिया is equal to ARR plus one. Error आ जाएगा दोस्त ये चेंज नहीं कर सकते आप ठीक है इसके ऊपर आपने ये चीज लिखी हुई है कि इंट, AR, एक आप एरे बना चुके हो दस साइज का तो ये करने के बाद जब ये करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा नॉट पॉसिबल समझे तो और इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से एक इंटीजर पॉइंटर बना रखा है जिसमें आपने पहले लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर रखा है ऐसा इसके इसमें क्या होता एक ये पी बनता और इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी है जो कि पहले पहली पहली लोकेशन दो चार सात सौ दस और इस पी की एड्रेस मान लो मान लो नौ सौ तेईस है ऐसा ठीक है तो अब हमने क्या बोला हमने दोस्त ये बोला कि यहां पर आके मैं ये लिख सकता हूं कि पी इज इक्वल टू पी प्लस वन चल आके देखें चलो चला के देखते हैं मैंने क्या बोला यहाँ पे आके आपको बोला इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ हटाई देता हूं ठीक है मैंने आपको बोला कि यार int ए आर आर ऑफ टेन ऐसे आपने क्रिएट कर लिया ऊपर वाला कमेंट करना पड़ेगा ठीक है ठीक है तो ये आपने क्रिएट कर लिया अब आपने यहां पे आके बोला कि ए आर आर इजिकल टू ए आर आर प्लस वन बढ़िया मैंने बोला चला के देखना दोस्त आप रन किया फट गया भाई साहब क्या कर रहे हो <laughs> ये नॉट असाइन वाला है कैसी चीज कर रहे हो आप तो भैया ये एरर दे, दे दिया आप समझ गया कि अच्छा ऐसे था भैया समझ गया इसने आपको एरर दे दिया ये चीज़ हमने समझ ली अब अगर मैं यहाँ पे कि एंट स्टारी टी आर जीवल्स टू एंड ऑफ ए आर आर कॉमर जीरो मैं यहाँ पे टी आर जीवल्स टू पी टी आर प्लस वन अब चला के देखू पी टी आर प्रिंट कर दू इससे पहले और उसके बाद में ऐसे करके और इसको मैं चला दूं तो तो चल गया ये तो फटा ही नहीं समझे जब मैं आपको पिछली बार पॉइंटर एथमेटिक में समझाया था कि पी में आपने सात सौ स्टोर कर लिया यानी कि ये एक कह रहे था दस ब्लॉक का आपने क्या किया पहले वाले का एड्रेस जो है इस पॉइंटर में स्टोर कर लिया पी के अंदर सात सौ यानी पी जब इसको पॉइंट कर रहा है अब अगर मैं लिख दू आप पीटीआर को पीटिया लिख दो इज दूसल्स टू पीटीआर प्लस वन मैंने आपको क्या बोला कि दोस्त जब प्लस वन बोलता हूं तो प्लस वन मत कर देना एक ब्लॉक से आगे बढ़ा देना यानी आपने इस ब्लॉक की जगह इसको पॉइंट करवा दिया ये तो सात सौ दस सी क्या हो गया सात सौ चौदह तो अब आप प्रिंट करोगे पीटिया को सात सौ चौदह आ जाएगा क्योंकि एक नीचर की साइज चार होती है चार बाइट ठीक है तो हमें समझ में आ गया अगर मैं एरे के केस में ऐसे प्लस वन करने जाऊंगा तो भैया फंस जाओगे सिंपल टेबल में एंट्री बनी पड़ी है मॉडिफाई करोगे एरर आ जाएगा आ गया ना एरर यहाँ पे सेम चीज आप पॉइंटर में करने जाओगे तो प्लस हो जाएगा दोस्त क्यों क्यों समझते हैं क्यों तो ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पीटीआर के अंदर सात पड़ा था जब पीटीआर के लोग पीटीआर बोलते हैं तो सात को आगे बढ़ाता है ना कि अपना एड्रेस चेंज करने की कोशिश करता है समझे इस चीज़ को तो ये ये चीज आपको समझ में आएगा आपको यहां से ये पता लग गया कि यार आ, जो आपका पॉइंटर है कि यार सिंबल टेबल के अंदर जो कंटेंट पड़ा उसको चेंज मैं नहीं कर पाऊंगा समझे सिंबल टेबल में इस केस के अंदर क्या पड़ा होगा इस केस में आपका ए जो है वो 710 पड़ा होता है मैप्ड और आपका जो पी पड़ा होता है वो 923 सौ तेईस की मैप्ड होता ठीक है पर जब हम ये पीटीआर लिख लो हम पीटीआर लिखो उस टू पीटीआर प्लस वन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मैं जो कंटेंट पढ़ा ना यहाँ पे पी के अंदर सात सौ दस उसको चेंज कर रहा हूँ कि यार सात सौ दस प्लस वन है सात सौ चौदह इस प्रकार समझे तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं दोबारा बोल रहा हूँ हो सकता है कि आप इसको भूल जाओ अगले दिन तो कैसे समझ में आएगा खेलो एंड स्टार ब्रैकेट बिना किसी चीज के हर चीज चलाओ बस रन करो सब क्लियर हो जाएगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगे सारी की सारी चीजें ठीक है एक चीज हमने ध्यान से अब तक तो गौर कर लियो होगी कि भैया आपने सिर्फ इंटीजर एरेज की बात करी है इन चीजों के अंदर आप करेक्टर एड्रेस के बारे में तो बता ही नहीं रहे हो वो कौन बताएगा मैंने बोला दोस्त मैं दोस्तों बताऊंगा समय समय आने बताएंगे आपको तो अब समय आगे हम करेक्टर एड्रेस को डिस्कस करें और उनकी बातें समझें कि वहां पर क्या होता है ठीक है तो यहां पर हमने लास्ट पॉइंट में एक चीज सीख ली मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि यार एड्रेस ऑफ एरेज कोई भी आपने एरे क्रिएट किया उसको रेसाइन आप नहीं कर सकते अगर आप एरे का मैसेज भी पढ़ने जाए आपको दिख रहा है एरे टाइप ये इज नॉट री असाइनेबल तो जब भी आप एक एरे क्रिएट करते हैं उसका एड्रेस असाइन होता है मेमोरी को मेमोरी में से तो उसके एड्रेस को आप रीअसाइन नहीं कर सकते आप ये नहीं बोल सकते कि आप एड्रेस जो ए आर आर जो है नौ सौ तेईस पे है इसको पांच सौ तेईस पे कर दो नॉट पॉसिबल कर ही नहीं सकते आप बेकार चीज है वो है ना तो ये चीज हमको समझ में आ चुकी है अब हम चलेंगे हमारे कैरेक्टर क्यारे एरेज के ऊपर ठीक है चलते हैं तो अब हम आ चुके हैं हमारे करेक्टर एरेज वाली गेम में मैंने यहाँ पे शुरुआत करी हमारे के साथ करेक्टर एरेज की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी एक बार अब ठीक है इसको समझते हैं ठीक है छोटा सा ही यार ज्यादा कोई लंबा टॉपिक नहीं है और अभी इस खत्म कर लेंगे पहले एक बार समझते हैं कि इंटीजर एरे में क्या होता है और करेक्टर एरे में क्या होता है मैंने एक इंटीजर एरे क्रिएट कर लिया ए आर आर इसको मैंने तीन चीजें डाल दी पाँच चीजें डाल दी मैंने बोला कि यार इसके अंदर आपका ना क्या पड़ा है वन कमा टू कमा थ्री कमा फोर कमा फाइव पड़ा ठीक है ऐसा मैंने एक करेक्ट आर बना लिया करेक्टर एरे ए बना लिया से इसमें पांच चीजें डरी पड़ी है और इसको मैंने बोल दिया ऐसा कैसा ऐसा ए बी सी डी ई ऐसा ठीक है ये बात समझ में आई मैं ठीक करना पड़ेगा नल करेक्टर भी डलेगा दोस्तों <laughs> कैरेक्टर एरे में पता ना कि यार आपका करेक्टर है जब आप स्ट्रिंग डालते हो आपने ए बी सी डी डाल दी खत्म कहां पर होता है खत्म ये होता है नल करेक्टर के साथ अगर मैं पांच करता हूं तो क्या होता देखते हैं यहाँ पे ऐसा आ रहा है जो कि क्या बोल रहा है हमें वो बोल रहा है कि भैया अ वैल्यू ऑफ टाइप ये कैन नॉट बी यूज एम टी आर पता नहीं क्या लिख दिया इसने ठीक है तो इस नंबर इसका टाइप जो है वो छे लेंथ का भैया और तुम पांच में दे रहे हो तो छः आपने कर दिया और आपको समझ में आगे ठीक है इस प्रकार मैं ये छोटे मतलब पहले से डिस्कस कर चुके हैं ये वाली कि ये मैंने इस प्रकार एंटीअर बना लिया इस प्रकार मैंने कैरेक्टर का आय बना लिया अगर मैं इनको प्रिंट करता तो क्या होता मैं अगर ऐसे बोल सी आउट ए आर आर इस केस में क्या होता है आपको पता है पहली लोकेशन का एड्रेस प्रिंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में पहली लोकेशन का एड्रेस प्रिंट होता है तो मैं सेम नीचे वाले साथ सी आउट, सी तो क्या होता है कर यहाँ पर डिफरेंस था भैया कैसे इसको समझ में आया आ, आ तो था समझ में आ गया। है। देखो एर में आपका एड्रेस प्रिंट हो गया और सी आउट में आपका जो आपका कॉन्टेंट था एबीसीडी वो प्रिंट हो गया ओ, हो, हो 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 इसका मतलब इसका मतलब इंटीजर एरे के लिए और करेक्टर एरे के लिए जो आपका सी आउट फंक्शन है जो आपका सी आउट फंक्शन है वो डिफरेंटली इम्प्लीमेंटेड है भैया डिफरेंटली इम्प्लीमेंटेड है इम्प्लीमेंटेशन जो है भैया डिफरेंट है कि एरे के, के केस में तो वो एड्रेस बता रहा है नाम पर ये क्या दर्शाता है ये एड्रेस दर्शाता है और वो इसके केस में करेक्टर एरे केस में भाई वो पूरा कॉन्टेंटम कर रहा है प्रिंट कर रहा है एंटायर कंटेंट ठीक है तो ये एक चीज थी यार जो मैं पकड़ लिया अच्छा यहाँ पे सी आउट का बिहेवियर अलग है ठीक है अब आगे चलें एक बार चलो आगे चलते हैं अब एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं कैर टाइप का कैर स्टार सी इज इक्वल्स टू हमने बोला पहली लोकेशन एंड सीएचआर ऑफ जीरो पॉइंटर क्रिएट कर लिया बहुत बढ़िया इसको रन करें सी आउट सी क्या होगा अब मजा आएगा जैसे हमने इंटीजर एरे में देखा था कि यार ये मेरा अगर एक एरे बना पड़ा है इसमें वन टू थ्री ऐसे कुछ कुछ जला पड़ा है अगर मैं एक पॉइंटर बना लूँ इंड स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए आर आर जीरो ऐसे एक पॉइंटर बना लूँ और मैं करूँ सी आउट पी टी आर तो क्या प्रिंट होता था इसमें ये पहली लोकेशन का जो एड्रेस होता है मान लो सात सौ दस तो भैया सात सौ दस प्रिंट हो जाता सिर्फ सात सौ दस प्रिंट होता है केस के अंदर है ना समझ में आएंगी चीज हमें बट अगर इस चीज को उल्टा कर दिया जाए और यहां पर लिख दिया जाए कि यार एक करेक्टर पड़ा हुआ है इसके अंदर कुछ कुछ पड़ा हुआ है अंदर कुछ कुछ पड़ा हुआ है ए बी सी डी ई इस प्रकार और मैं यहां पर एक पॉइंटर बना दू करेक्टर टाइप का सी एच सिर्फ सी लिख दो सिर्फ सी और इसमें लिख दू एंड सी एच जीरो पहले लोकेशन का एड्रेस अब मैं करूंगा प्रिंट सी तो सी क्या करेगा ध्यान से देखें इस चीज को एक बार इस केस में पहले केस की अगर मैं बात करूँ तो पी एक ब्लॉक था जिसके अंदर जो एड्रेस स्टोर था तो आप पी जब प्रिंट करने जाते हो आपने वो एड्रेस प्रिंट कर दिया सात सौ दस यहाँ पे क्या था कि यार जब एक ब्लॉक था सी उसके अंदर इस ए बी सी डी का मान लो ये आठ सौ बीस एड्रेस है पहले ब्लॉक का तो आपने आठ सौ बीस स्टोर कर लिया अब आप जब आपको बोलते हो सी आउट सी तो आप क्या करते हो आप भैया आपको लग रहा होगा आठ सौ बीस प्रिंट करेगा है ना पर ही नहीं करेगा आप एंटायर स्ट्रिंग प्रिंट कर देते हो की हमारे है करके कर करते हैं देखा आपने प्रिंट कर दी ये अगर MCQ में आता तो आप इसका देते कि नहीं भैया इसमें तो 820 प्रिंट होगा इसमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगा बट आपको पता लग गया कि यार सी आउट की इंप्लीमेंटेशन Character के केसेस में एरे के केस में डिफरेंट है इंटीजर एरे के केस में डिफरेंट है तो भैया ये वाली गेम आपको समझनी है ठीक है ये समझ में आ गया भैया बहुत बढ़िया तो पे बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके सी ने बताया कि यहां से स्टार्ट कर दो जो आपने सी पड़ा सी प्रिंट करो सी के अंदर आठ सौ बीस पड़ा है

एक पॉइंटर बनाता हूं कैर स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ऑफ टेम्प ऐसे और अब मैं क्या करूंगा oh, sorry, लगाना है। अब मैं क्या करूंगा दिया अरे ये क्या क्या आ गया भैया क्वेश्चन मार्क जे देखो इस केस में क्या हुआ समझाते हैं आपको इस केस में हमने क्या बोला एक चीज पढ़ी है, हमने क्या बोला कि यार एक चीज पढ़ी है टेम्प और टेम्प क्या है

आपने क्या बोला सात सौ दस से स्टार्ट कर दो सी आउट को बोला क्या सात सौ से स्टार्ट करो सी आउट गया सात दस पे उससे जेड प्रिंट करा वो 714 अब वो गया सात सौ चौदह पे अगले वाले पे ठीक है अब वो गया अगली लोकेशन पे जो भी होगा प्रिंट हो गया अगले लोकेशन पे जो भी होगा प्रिंट हो गया अगले लोकेशन पे जो भी होगा प्रिंट हो गया अगले लोकेशन पे जब तक उसको एक नल करेक्टर नहीं मिलता भैया वो स्टॉप नहीं होगा ठीक है तो इस लोकेशन पे ये एंड टेम्प लोकेशन से आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी अब अगले मेमोरी ब्लॉक तक जाते जाओगे और तब तक नहीं रुकोगे जब तक आपको एक नल करेक्टर नहीं मिलता तो उसने क्या किया पहले जेड प्रिंट करा फिर उसको ये कुछ दो करेक्टर मिले ये प्रिंट करे फिर उसको जे मिले जे बॉक्सर मिल गया तो रुक गया बस और नहीं प्रिंट करूंगा ये वाली गेम थी अगर ये में आता फिर फंस जाते ठीक है अब नहीं फसोगे पर तो ये वाली गेम भी आप बड़े प्यारे तरीके से समझ चुके हैं देखो जब मैंने लिखा कि यार कैर एक एर बनाया सी एच इसमें डाला आप और इसको बोला ए बी सी डी एफ ऐसा इस केस में क्या होता है और मैं अगर इसी को पॉइंटर से कर दूर स्टार सी इज इक्वल टू ऐसा ए बी सी डी ई इस केस में क्या होता है समझ रहे हो अभी हमें क्या लग रहा है कि चल ठीक है चलो मैं समझाता क्या करके पहला केस उठाते हैं हम क्या करते हैं हम पहला केस उठाते हैं एक बार जब मैं इस केस की बात कर रहा हूं इसके बिहाइंड द सीन्स देखें एक बार क्या होता है चलो बीटीएस देखते हैं इसके देखो यहां पे क्या होगा सबसे पहले टेम्पररी मेमोरी के अंदर एक टेम्पररी मेमरी क्रिएट होगी और उसके अंदर आपका ये ए बी सी डी स्टोर हो जाएगा ठीक तो है कैरेक्टर भी होगा डेफिनेटली तो ये आपके छह ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी जो टेम्पररी क्रिएटिव होंगे सबसे पहला स्टेप ये होगा और सेकेंड एक मेमोरी क्रिएट होगी जो कि हम यहां से देख पा रहे हैं सी एच वाली और उसके अंदर टेम्प्रेरी मेमोरी के कॉन्टेंट कॉपी हो जाएंगे टू स्टेप प्रोसेस है टेम्प्रेरी मेमोरी में ये इनिशलाइज वैल्यू रख लो और सेकेंड फिर ये जो मेमोरी ये वाली है इसके अंदर इस टेम्प्रेरी मेमोरी को कॉपी कर दो बहुत बढ़िया समझ में आ गया इस एंटायर कॉन्टेंट को टेम्प्रेरी मेमोरी में रखो फिर ये जो मेमोरी मेमरीज अलॉट हुई है सी एच को है ना यहाँ पे सिक्स है अलाट हुई है उसमें इस टेम्पररी मेमोरी को हमने कॉपी कर दिया ये वाला प्रोसेस भैया इसके भी हैंडिंग समझाओ चलो इसमें क्या हुआ पहला स्टेप सेम टेम्प्रेरी मेमोरी मिली क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया ना यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया तो पहले टेम्प्रेरी मेमोरी में आपका ये ए बी सी डी स्टोर हो गया बढ़िया स्टोर हो गया सेकेंड सेकेंड यहाँ तो मेमोरी मिल गई थी क्रिएट कर दी थी हमने यहाँ तो हम क्रिएट करी है एक पॉइंटर होगा तो ये एक पॉइंटर बना सी के लिए यहाँ मान लो इस पहली जो आपने टेम्प्रेरी मेमोरी में क्रिएट करी है उसका एड्रेस सात है तो यहाँ पर सात आ गया इन शॉर्ट एक टेम्पररी मेमोरी के अंदर हमने ये कंटेंट स्टोर कर लिया और उसके पहले ब्लॉक को हमने पॉइंट करवा दिया इस पॉइंटर के द्वारा जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है ये हमें जिंदगी में नहीं करना है ये करना ही नहीं है नहीं करना स्वाहा समझा की बात तो इस प्रकार है यार ये जो वाली गेम बहुत खतरनाक है ये वाली गेम जो है हमको खेलनी ही नहीं है नहीं रिस्क भी सोच के लिया जाता है ये वाला रिस्क लेना ही नहीं है <laughs> समझ गए हो सकता है कोई रीड ओनली मेमोरी हो आप इसको इंक्रीमेंट करते करते वहां पहुंच जाओ उसको एक्सेस करने का ट्राई कर दो पता ही नहीं है, आपको आपको गौरव <laughs> समझ लो तो भैया ये वाली जो गेम खेलनी है ये नहीं खेलनी है ये वाली खेलो बिंदास पर ये वाली मत खेलो समझ आई मजा आया बहुत बढ़िया समझ में आ गया अच्छी बात है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल दिस इज एक्सेप्टेबल मैं ये नहीं करा नहीं चलेगा मैं ये नहीं करा नहीं चलेगा बट भाई ये मत करो ये मत करो प्लीज़ मत करो रिस्क किया क्यों लॉजिक समझाती है आपको नीचे में आने वाला और ये डेप्थ में गेम चल रही है दोस्त कौन सा कोड कैसे करना है किससे कैसे चलेगा वो सब आपको पहले से आता होगा या फिर हमने सीख लिया होगा बट ये जो गेम चल रही है ना यहाँ पे अभी ये ही वाली गेम है सॉरी 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 हवाबाजी ज़्यादा हो गई ये वाली गेम है और ये वाली गेम है ये तो डेप्थ में चल रही है इंटरव्यू पूछेगा आप बताओगे खुश हो जाएगा वो आगे चलें अगली फाइल क्रिएट करें अब मैंने क्या बोला कि यार एक फ़ाइल बनाओ पॉइंटर और फंक्शंस की फंक्शंस की बात करते हैं तो अब बात होगी फंक्शंस की किसकी बात होगी भैया फंक्शंस की बात होगी फंक्शंस हमने देख लिया फंक्शन में इंटीजर कैसे पास करते हैं हमने देख लिया अरे कैसे पास करते हैं हमने कैरेक्टर कैसे पास करते हैं फंक्शन है? को पास कर सकता प्वाइंटर को पास कर सकता हूँ क्या देख लेते हैं मैंने क्या किया मैंने एक वैल्यू क्रिएट करी इंट वैल्यूजिकल टू फाइव फाइव बहुत यूज करता हूँ मैं और इसको मैंने क्या किया एक पॉइंटर बना लिया टाइप का इंड स्टार पी फीकल्स टू एंड ऑफ वैल्यू ऐसा अब मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि इसको वैल्यू को प्रिंट करेगा मैंने बोला वाइट प्रिंट इनपुट में क्या ले पॉइंटर लेना है एंड स्टार पी करना क्या है प्रिंट करना है बस सी आउट पी ऐसा मैंने इसको नाम कर दिया हुआ प्रिंट और मैंने इसमें पी दे दिया इनपुट में और इस प्रकार ये मेरा फंक्शन बन गया क्लियर कर देता हूँ रन करा क्या आंसर आया एड्रेस प्रिंट हो गया भैया आप तो वैल्यू प्रिंट कर निकले थे दोस्त मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टी में तो एड्रेस प्रिंट होगा अगर मैं आप स्टार लगा दूं तो एड्रेस तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आ गई पांच वैल्यू आ गई तो आपने सीखा कि यार फंक्शन में एक पॉइंटर कैसे पास किया जाता है वो चीज़ आपने सीख ली यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है ये बहुत छोटा सा एक प्यारा सा आपके लिए आइडिया सामने रखा गया है जहां से आपने समझ लिया पासिंग कैसे करनी है सिंपल सा पॉइंटर क्रिएट कर लिया था एज एन आर्गूमेंट सिंपल आपने उसका नाम लिख के पॉइंटर का नेम लिख के पास कर दिया यहाँ पर पॉइंटर लिख दिया और यहाँ पर आपने यूज कर लिया जैसे आप यूज करना चाहते हैं पास बाय वैल्यू चल ना एक और एग्जांपल दिखाऊं मैंने बोला वॉयड अपडेट इस पॉइंटर पे जा मैं बस अपडेट करना चाह रहा हूं इस पॉइंटर की वैल्यू इन स्टार पी मैंने बोला कि यार पी इज इक्वल्स टू पी प्लस अरे चल दिया दोस्त वन ये ऐसा पॉइंटर अपडेट कर दिया मैंने अब आएगा मजा इसका नाम हम रख दिया अपडेट कर दिया इसको कमेंट करते हैं अब मैंने क्या किया फंक्शन कॉल करा अपडेट पी बट मैं देखना चाह रहा हूँ क्या मेरी वैल्यू इसलिए अपडेट हुई है कि नहीं हुई है मैंने क्या बोला ये तो बहुत सारे है। बीफोर पी एंडल ये पहले की वैल्यू है और ये आफ्टर की वैल्यू है ठीक है चढ़े प्रिंट करते हैं हमने देखा कि बिफोर और आफ्टर दोनों में सेम वैल्यू आ रही है हा ऐसा क्यों ये तो धोखा हो गया हमारे साथ बिफोर में भी सेम वैल्यू आफ्टर में भी सेम वैल्यू बट हमने तो यहां पे प्लस कर दिया था इंक्रीमेंट कर दिया था तो अपडेट क्यों नहीं हुई समझते हैं इस चीज को एक बार चल क्या रहा है ये हमारा एक मेन फंक्शन है और ये हमारा एक अपडेट फंक्शन है ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने यहां पर एक पॉइंट क्रिएट कर लिया मैंने यहां पर एक पॉइंट क्रिएट कर लिया पी अंदर कुछ कुछ वैल्यू है मान लो कि वन ट्वेंटी थ्री एक एड्रेस है जो कि उसके अंदर स्टोर हुआ पड़ा है इस पी को मैंने बिफोर में प्रिंट कर लिया तो यहीं पे मैंने बिफोर में प्रिंट कर लिया तो यहाँ पे बिफोर में सात सौ एक सौ तेईस प्रिंट हो गया बहुत बढ़िया फिर मैंने क्या किया ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया अपडेट वाला अपडेट मैंने पी पास कर दिया तो यहाँ पी क्रिएट हो गया पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ जाता पुरानी वीडियो में तो यहाँ पे एक पी क्रिएट हो गया वन टू थ्री में पड़ा हुआ अब मैंने क्या बोला इसके अंदर जाकर लाइन नंबर ट्वेल्व के अंदर पीइ गल टू पी प्लस वन तो भैया ये क्या हो गया ये हो गया पीइ गल टू पी प्लस वन दट इज कि यार इस ब्लॉक के अंदर ना ब्लॉक वही है पर भी वन ट्वेंटी फोर हो चुका है ऐसा ठीक है अभी कायदे के लिए मतलब लॉजिक समझने के लिए वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर कर रहे हैं फिर तो हमें पता है कि इंटीजर के केस में वन ट्वेंटी थ्री अगर होता तो चार बढ़ जाता है वन ट्वेंटी सेवन बन जाता है ना पर अभी लॉजिक समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने प्लस वन कर दिया तो वन ट्वेंटी फोर बन गया आप कायदे मतलब असली चीज आप जानते क्या होगी हो गया फिर आप इससे यहाँ पे वापस आ गए और जब यहाँ पे आप यहाँ पे आ गए फिर आपने प्रिंट करा आफ्टर पी की वैल्यू पी की वैल्यू क्या अभी भी वन ट्वेंटी थ्री है अच्छा तो इन दोनों केसेस के अंदर आपकी पी की वैल्यू वन ट्वेंटी थ्री ही है जो अपडेट हुई थी वो तो भैया अपडेट वाली पी की हुई थी ना ओ यानी इस फंक्शन के अंदर अगर मैं प्रिंट कर देता तो मेरी इंक्रीमेंटेड वैल्यू मुझे दिख जाती सी आउट इन साइड प्रिंट कर दिया कुछ गड़बड़ है क्या चलिए तो देखो यार ये तो ठीक है अच्छा अब अपडेट हो गया था यहां पर ठीक है समझ में आ गई ये चीज इन शॉर्ट अगर आप एक पॉइंटर पास कर रहे हैं इन शॉर्ट अगर आप एक पॉइंटर पास कर रहे हैं ये हुआ बहुत से को को कर रहा है। एक पॉइंटर अगर आप पास कर रहे हैं अपडेट मेथड के अंदर तो भैया अगर pointer के साथ इस प्रकार खेलेंगे तो नहीं चलेगा आप उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो कैसे इसको ऐसे कर देते हैं आपने क्या लिखा कि स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी प्लस वन क्या मतलब है कि यार ठीक है तो अब हमने यहां पे वैल्यू अपडेट कर दी है और हमने यहां पे पहले पे प्रिंट करी वैल्यू और बाद में प्रिंट करी वैल्यू अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है रन किया तो बिफोर वैल्यू फाइव थी आफ्टर वैल्यू सिक्स थी अच्छा ठीक है तो वैल्यू तो हम कर सकते हैं इसका मतलब ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अपडेट करने का ट्राई कर रहा हूँ तो भैया वो हो रही है बिफोर और आफ्टर की वैल्यू डिफरेंट आ रही है ठीक है क्या हुआ होगा समझते हैं इस चीज़ को एक बार मैंने यहाँ पर लिखा मेन ये मेन फंक्शन है ये आपका अपडेट फंक्शन है देखते हैं क़ायदे से हुआ क्या है अभी अब देखो क्या हुआ कि आपने एक वैल्यू क्रिएट करी पहले जिसकी वैल्यू फाइव थी तो यहाँ पे एक डब्बा पड़ा है मेमोरी ब्लॉक है इसमें वैल्यू की वैल्यू फाइव पड़ी है इसका एड्रेस मान लो सात सौ दस है फिर आपने एक पॉइंट बनाया कि यार एंड स्टार पी इज इक्वल टू एंड ऑफ वैल्यू इसमें क्या हुआ होगा एक क्रिएट हुआ पॉइंटर इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है इसका एड्रेस यानी 710 और इस पॉइंटर खुद का एड्रेस मान लो आठ है इस प्रकार ठीक है अब मैंने क्या बोला कि यार इस फंक्शन को कॉल पहले मैंने बोला बिफोर प्रिंट कर दो तो मैंने क्या बोला बिफोर प्रिंट कर दो बिफोर बिफोर के अंदर क्या करना है स्टार ऑफ पी स्टार ऑफ पी मतलब पी पे जो एड्रेस पड़ा उसकी वैल्यू सात पे क्या वैल्यू पड़ी है फाइव है ना स्टार ऑफ पी मतलब पी पे जो एड्रेस पड़ा है उसकी वैल्यू तो सात सौ दस पे क्या वैल्यू पड़ी है पांच तो आंसर में क्या आ गया बिफोर के अंदर पाँच आ गया बहुत बढ़िया अब मैंने फंक्शन कॉल मार दी अब मैंने फंक्शन कॉल मार दी जब मैंने फंक्शन कॉल मारी तो मुझे क्या पता लगा मुझे ये पता लगा यार स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस वन सबसे पहले तो इसमें आपने अपडेट में एक पी पास किया वो पॉइंटर तो वो क्रिएट हुआ पड़ा होगा कि यार पी ये है और इसके अंदर सात सौ दस पड़ा हुआ है उसके बाद आपकी ये शर्ट एग्जीक्यूट करने आप गए ठीक है तो स्टार पी में आपने क्या बोला स्टार पी प्लस वन कर दो स्टार पी की वैल्यू क्या है सात सौ दस पे क्या वैल्यू पड़ी है तो सात सौ दस पर क्या वैल्यू पड़ी निकालने के लिए आप यहाँ पे गए आपने देखिए क्या पढ़ा है अरे भाई पाँच पड़ा हुआ है पाँच प्लस वन स्टार पी छः हो गया तो स्टार पी छः हो गया यानी कि पहले पाँच था अभी छः हो गया यानी आपने इसको अपडेट कर दिया ये छः हो गया इतना करने के बाद आप वापस आ गए अब आपने बोला आफ्टर प्रिंट कर दो आफ्टर और आपने स्टार पी मतलब पी पे वैल्यू पढ़िए सात सौ दस पे जो वैल्यू पड़ी है क्या पड़ी है छ पड़ा है ओके इस प्रकार आपने प्रिंट कर दिया समझे इस बात को ये इंपॉर्टेंट तरीका था इसके द्वारा आप समझ पाए कि अच्छा ऐसे करना था मेरा आपको आइडिया लग गया कि पांच और छह अलग अलग डिफरेंट क्यों आया अगर हम चाहते हैं पॉइंटर गेम खेलना और अपडेट करना तो इस प्रकार वो अपडेट करना है हमें इस प्रकार नहीं करना ये नहीं कर रहा प्लस वन टू थ्री फोर जो आपका मन करे वो कर लो पर लॉजिक समझ वो वाला लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल सही जगह पर चल रहे हैं ठीक है तो ये कैसे हमें समझ में आ चुका है और हम समझ चुके हैं कि पास बाय वैल्यू आपका पॉइंटर केस में किस प्रकार से काम करता है अब एक और चीज आपको मैं दर्शाता हूँ एरेज वाली गेम समझते हैं फंक्शन और एरेज और पॉइंटर जितना हमने सब सब समझा है उन सबको लिख देते हैं आप एक बार मैंने एक फंक्शन बना दिया चलो अच्छे से करते हैं बात न करते हैं पहले यहाँ पे मजेदा करना क्या चाह रहे हैं मैंने क्या क्या करा मैंने एक एरे बना लिया इंट ए आर आर दस साइज का इसके अंदर स्टार्टिंग है मान लो छोटा मालते हैं पांच साइज का को टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा फाइव ऐसा ये कुछ कुछ पड़ा हुआ है मैंने बोला मुझे सम चाहिए मैंने बोला मुझे सम चाहिए मैंने फंक्शन गेट सम, ऐसा इसको प्रिंट करा देता हूँ इसको प्रिंट करा दिया मैंने यहां मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया कि यार इंट, गेट सम यहाँ पे इंट ए ऐसा और यहाँ पे इसका साइज भेज दिया यहाँ पर लिख दिया ए आर आर फाइव और मैंने सम निकाल दिया कैसे निकाला सम मैंने समझ लेते हैं एक बार सम निकालना तो मैं आता ही है हमने क्या बोला कि यार इंट सम इज इक्वल टू ज़ीरो हमने क्या बोला फोर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इसमें क्या करो सम प्लस आई ऐसा और यहाँ सब बेटर बहुत बढ़िया देख लिया अब समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ अब समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं हमने यहाँ पे क्या किया इस फंक्शन के अंदर ए आर जो हमारा एरे है उसको पास कर दिया हमें क्या पता है एरे का साइज जो होता है हमेशा नंबर ऑफ ब्लॉक्स मल्टीप्लाई एंटी तो चार सौ प्लाई कर लेना ठीक तो है तो यहाँ पर पाँच है तो पाँच मोटी चार बीस तो एरे का साइज बीस होना चाहिए और यहां पे आपने वो एरे पास कर दिया एक बार इसको प्रिंट करा के कर देखो मैं इस, इस एरे का साइज क्या है आपको सब समझ में आ जाएगा अभी मैंने बोला सी आउट साइज ऑफ ए आर आर इसको मैंने एक बार यहां से यहां तक तो कमेंट आउट कर देता हूं ठीक है तो यहां पे यह हुआ मैंने बोला साइज ऑफ ए आर आर प्रिंट कर दू कर दिया क्लियर कर रन करता हूँ कर पड़े है ना ये एरे का साइज नहीं देगा साइज देगा समझते हैं, एक बार। प्रिंट करते हैं। अच्छे से एक बार समझ में आ जाए तब तो मजा आएगा size, अब कर देते हैं। तो हमें क्या दिखा कि यार इस पे पीछे भी हैंडल लगाना पड़ेगा है। यार अच्छा सा नहीं आ रहा अब प्रिंट करते हैं क्लियर uh, करता हूं रन करता हूँ देखा कि साइज आ गया आठ अरे दोस्त आठ थोड़ी आना है यहां पर तो पांच इंटू चार बीस आना चाहिए आठ क्यों आ रहा है तो भैया जब आप इस प्रकार एक मेथड के अंदर एक फंक्शन के अंदर एरे पास करते हैं तो ये एरे पास नहीं होता है ये एक पॉइंटर पास होता है इसका मतलब असलियत में बिहाइंड सीन ऐसा कुछ कुछ आया है अच्छा रन करूँ हम्म अभी भी साइज आड आ रहा है ठीक है तो इस चीज में इन स्टार एआर लिखने में या फिर जब पहले लिखा था इन टे आर ये लिखने में कोई फर्क नहीं दोस्त आया पॉइंटर ही है क्या हुआ है समझते हैं तो ये मेरा मेन मेथड है और ये मेरा अपडेट मेथड है जब यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कर लिया और मैं इस एरे को यहाँ पास कर रहा हूँ तो भैया वो ऐसे पूरी दस ब्लॉक बना के नहीं ले रहा है नहीं वो बस एक पॉइंट क्रिएट कर रहा है ये रहा एर यहाँ पे कुछ वैल्यू डली हुई है जो कि यहाँ पे इस वाले एरे की पहली लोकेशन की एड्रेस थी ऐसा तो अपडेट में जब एरे पास कर रहे हैं ऐसे तो ऐसे एरे क्रिएट नहीं हो रहा है ऐसे पॉइंटर क्रिएट हो रहा है ये है इंटरनल फंक्शनिंग ठीक है इस प्रकार आप चीजें कर रहे हैं इसको चाहो तो आप आई पहले लिख लो ए बाद में लिख लो क्या फ़र्क पड़ रहा है सब सही आंसर आएगा समझ रहे हो तो इस प्रकार चीजें चल रही हैं सम आपका पंद्रह आ रहा है इस दोनों केसेस के अंदर मैं दोबारा रन कर देता हूं यहां पे पंद्रह आ रहा है सही चल रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया इस प्रकार समझ में आ गया कि फंक्शंस पॉइंटर्स एरेज साथ में मिलके क्या खिचड़ी बनाते हैं समझ में आ गई हमें मैं पॉइंट वाली चीज़ समझ में आई कि स्टार पी का यूज़ करूंगा इस प्रकार तो वैल्यू अपडेट कर पाऊंगा अगर नहीं तो फंक्शन में जा रहा हूँ बाद वैल्यू की वैसे अपडेट नहीं कर सकता अगर फंक्शन में एरे बाज कर रहा हूँ इस प्रकार तो भैया चाहे मैं ऐसे लिखूँ या फिर मैं ऐसे लिखूँ कोई डिफरेंस नहीं दोनों सेम चीजें साइज ऑफ निकाल के देखूंगा तो आठ आंसर आ जाएगा यहाँ पे दिखाओ साइज आठ आ रहा है तो एक पॉइंट रही है ये पॉइंट से डील कर रहे हो आप इसको आप चाहो तो आप एर आर पे लिख लो बाद में आई लिख लो या आई पर लिख लो या जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हमें पता है किस प्रकार होती है ए आर आर एफ आई की ए आर एफ आई इज इक्वल्स टू स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई हम समझिए हम डेप्थ वाली चीज़ जानते हैं तो हमें टेंशन नहीं हो रही है इतनी ज्यादा ठीक है इस प्रकार की चीजें चल रही थी और हमें फ़ायदा क्या होगा भैया अगर मेरा गेटसम में मेरा पूरा एंटायर इंटायर पास करने से वो एक पॉइंटर ही जा रहा है सिर्फ तो इससे तो ना बेनिफिट क्या हो रहा है बिल्कुल सही पॉइंट है भाई है ना बिल्कुल बेनिफिट बता दो भैया एक बार तब आगे नजर आएगा मैंने बोला बेनिफिट क्या है एक फंक्शन में एरे एज अ पॉइंटर जाता है तो इसका बेनिफिट क्या है मैंने बोला यार इसका बेनिफिट यह है कि आप एक पार्ट ऑफ एरे एक पार्ट ऑफ एरे सेंड कर सकते हो या पास कर सकते हो पार्ट ऑफ एरे कैसे पता लग गया भैया पार्ट ऑफ एरे मैंने आपको बोला कि यार ये एक एरे है ठीक है इस एरे के अंदर मैंने बोला कितने एक दो तीन चार पाँच लोकेशन है ये हो गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव टोटल नंबर ऑफ लोकेशन छः हो गई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अपडेट फंक्शन में सिर्फ यही तीन वैल्यूज भेजूँ या यही तीन मेमोरी ब्लॉक्स भेजूँ तो मैं क्या बोलूंगा पहले मैंने क्या किया था पहले मैंने अपडेट वाले फंक्शन में या फिर मैंने अपने गेट सम वाले फंक्शन में क्या किया था ए पास किया था तो मैंने ए आर जब पास किया तो ए क्या था ए जो था पहली लोकेशन में दर्शा रहा था तो आपके ये पूरी छे की छः लोकेशन वहाँ पे जा रही थी बट अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ गेट सम ए आर तो यहाँ पे ये हो गया वन टू थ्री तो आप यहाँ से भेज रहे हो आप अप अपना एरे पहले आपने जब गेट गेट सम ए आर लिखा था यार गेट सम ए आर आर उस केस में आप यहाँ से है यहां से पूरा एरे भेज रहे थे आपने लिखा गेट सम ए आर प्लस थ्री तो ये ए आर है ये वन ये टू ये थ्री तो इस केस में आप यहाँ से पूरा एरे भेज रहे हो तो आपने एरे का एक पार्ट सेंड कर दिया सम निकालने के लिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं मैंने यहाँ पे ए आर प्लस थ्री लिख दिया मान लो तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए लास्ट की इसको बढ़ा देता हूँ यार छः कर देता हूँ इसको छे कर देता हूँ साइज क्या रहेगा तीन हो गया है ना तो हमारा चार पांच छह यानी कि पंद्रह आंसर आना चाहिए थोड़ा बड़ा चेंज करता हूँ आठ सत्रह आंसर आना चाहिए लास्ट के तीन सम करें ना ए आर प्लस थ्री तो इस केस में क्या हुआ है यहां पे देखो क्या वैल्यू पड़ी हुई है वन टू थ्री फोर फाइव एट हमने क्या बोला सिर्फ इतना पार्ट का सम निकालो जो कि है चार प्लस पांच प्लस, प्लस, प्लस आठ दैट इज सेवनटीन आंसर आना चाहिए हमने रन करके देख लिया एक बार सेवनटीन आंसर आ गया है ना तो ये आपने देखा पे सेवनटीन आ रहा है तो इस प्रकार हम इस पॉइंटर और फंक्शन और एरे वाली गेम को यूज करके एरे के स्पेसिफिक पार्ट को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें देखिए हम चाहें तो अभी डबल पॉइंटर में जा सकते हैं पर आप थक जाओगे अभी नहीं जा रहे अगली वीडियो में जाएंगे कब आएगी पहुंचो हमने समझ लिया पॉइंटर वाली इंट्रो समझ लिया लास्ट वीडियो के अंदर पॉइंटर की गेम क्या है हमने समझ लिया उसके बाद पॉइंटर जो है एरेज के साथ किस प्रकार काम करते हैं एरेज में हमने स्पैसे इंटर एरेज की बात करी थी फिर हमने कैरेक्टर एरेज में देख लिया कि वहाँ बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है उसको समझ लिया कि यार यहाँ कैसे काम होता है फिर हमने देख लिया कि यार ये फंक्शन के साथ कैसे काम करते हैं पॉइंटर्स ठीक है फास्ट वैल्यू वगैरह सब हमने देख लिया फिर हमने क्या देखा कि यार फंक्शंस और एरेज इनके साथ पॉइंटर कैसे काम करते हैं अब हमारे पास डबल पॉइंटर बचे हुए हैं यार डबल पॉइंटर देख सकते हैं है ना पर हम आगे वीडियो में देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे ये हमने कर लिया कंप्लीट प्रैक्टिस कैसे करें भैया ठीक तो हम आ गए कोर्ट स्टूडियो में कोर्ड स्टूडियो में मैं अपना गया गाइडेड पाथ के अंदर गाइडेड पाथ में चला गया यहाँ पर जाकर मैंने अपना बढ़िया पॉइंटर सर्च कर लिया पॉइंटर्स ठीक है पॉइंटर में मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चन ठीक है पॉइंटर का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे व्यू करेंगे आप पॉइंटर क्या होता है पॉइंटर एक बार ये आप पढ़ लेंगे आपको और अच्छे समझ में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें ठीक है डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या है थ्योरी बात और चीज़ अच्छे समझ में आ जाएंगी ठीक है टाइप ऑफ पॉइंटर कौन कौन से होते हैं थ्योरी वाइज और अच्छे से आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ें समझ में आएगी जो इंटरव्यू पूछी जाती है आ, ये चीज़ हम कवर नहीं करेंगे आई पर आप ये पढ़ना एज अ होमवर्क आप इसको ले सकते हैं कि यार वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है ठीक है ये सारी चीज़ें थ्योरी वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इतना कुछ खास मुश्किल होता नहीं यार एक बार रीड लगाएंगे और चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आने लग जाएंगी ठीक है आगे चलते हैं टाइप ऑफ पॉइंटर यहाँ पे प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है मैं कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम ट्राई करो क्या कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम ट्राई करो मुझे पता है कि अभी हमने पूरा पॉइंटर कवर नहीं किया है ठीक है इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं भी हो पाएंगी कोई बात नहीं हम जाएंगे दिमाग लाएंगे तो नहीं समझ में आएगा तो गूगल सर्च से कुछ तो सोचेंगे वो समझेंगे टाइम यूटिलाइज तो करेंगे फायदा होगा तो इसी पे काम करना और ये करना मेरे हिसाब से ठीक है ये आपके काम आएगी आगे भी अभी पॉइंटर में हम फंक्शन जैसे मैं फंक्शन नहीं पढ़ा पॉइंटर के साथ एरेज नहीं पढ़े पॉइंटर के साथ तो वो जी हम पढ़ लेंगे है ना और ये आपको अभी आगे पॉइंटर और वीडियो जाएंगे और चीज़ समझाऊंगा मैं तो कोर्ट शोट में जाकर पॉइंटर के वाले क्वेश्चन करना चैम्प बन जाना, ठीक है तो इसमें इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द और फेज टू स्टार्ट हो चुका है लगातार लगातार वीडियोस आने वाली है अपनी पेज बनाए रखें पीछे ना रह जाए रह जाए तो भी कोई बात नहीं अपने पेज के हिसाब से कवर अप करते करते फटाफट फटा आ जाए क्योंकि कॉन्टेस्ट आने वाला है इस हफ्ते ठीक है बाय बाय